और ये बहुत गर्व की बात है कि आज 75 साल के अंदर हमारे देश ने कई सारी फील्ड के अंदर बहुत सी उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन मैं बात करूंगा आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग IMC जो हमारी कंपनी है, ये वास्तव में जो योगदान है देश को आजाद कराने के बाद का, उन्नति का, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है IMC दे रही है। भारत सरकार के जितने भी उपराले, जितने भी मिशन्स शुरू हुए हैं भारत वर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें IMC योगदान देती है। अगर मैं बात करूं नारी शक्ति की, सशक्तिकरण की, IMC वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर रही है। आज IMC के अंदर देश भर में लाखों महिलाएं हैं जो घर बैठे बैठे IMC के व्यापार कर रही हैं, IMC के प्रोडक्ट्स को बेचती हैं और घर बैठे बैठे होम बेस्ड बिजनेस के द्वारा एक घर पे एक्स्ट्रा आमदनी घर लेके आती हैं और खुद सशक्त हो रही हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए। बहुत से महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं हैं या कहीं नौकरी नहीं कर सकती हैं, छोटे बच्चे घर पे हैं या वहां पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, गांव के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो कर सकती हैं। लेकिन IMC द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देते हुए IMC ऐसी महिलाओं को सक्षम बनाता है कि वो ऐसी घर बैठे हुए बिजनेस को बढ़ा सके। तो वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा काम जो है IMC बिजनेस कर रहा है। स्किल इंडिया की बात करूं मैं तो IMC गांव गांव में जो लोग रह रहे हैं, बहुत पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर पाए हैं, तो उनको सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर हम लोग जागरूक करते हैं। देश भर में हमारे कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे कैंप्स फ्री लगते हैं जहां पे हम लोग उनको ट्रेन करते हैं सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, और IMC के प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है, कैसे उनको बेच के पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि गांव में एक व्यक्ति जो पैदा हुआ किसान था, लेकिन आज IMC बिजनेस में लाखों रुपए महीने कमा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे अंदर है जिसमें स्किल डेवलपमेंट करने के ऊपर कंपनी ने बहुत काम किया, और ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल ट्रेनिंग जो है कंपनी द्वारा फ्री होती है देश भर के अंदर, जहां पे स्किल को बाहर लेके आ जाता है, स्किल डेवलपमेंट को बाहर लेके आ जाता है, और ये बहुत बड़ा कार्य जो है हमारी IMC कर रही है। तीसरा चीज जो है डिजिटल इंडिया की हम बात करें तो आज पूरे भारतवर्ष में कंपनी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आज वो सब लोग पैन नंबर अपने ले चुके हैं, बैंक अकाउंट अपने ले चुके हैं, क्योंकि IMC बिजनेस करने के लिए आपको पैन नंबर की आवश्यकता पड़ती है, बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे लाखों ही बैंक अकाउंट और ऐसे लाखों ही लोगों के पैन नंबर कंपनी ने खुलवाए इस बिजनेस में जुड़ने के लिए, और उनको डिजिटली स्ट्रांग किया, क्योंकि सारी यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती है वो ऑनलाइन होती है। कंपनी की जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, वो सारी ऑनलाइन कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, कंपनी की वेबसाइट के द्वारा हम लोग करते हैं। और हम लोग डिजिटली इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा बढ़ावा जो है IMC का योगदान पूरे भारतवर्ष में रहा है, और लोगों को डिजिटली कनेक्ट करने में, चाहे वो पेमेंट ट्रांसफर करनी हो, चाहे उनके कमीशन ट्रांसफर करनी हो, तो डिजिटल हम बहुत बड़ा यूज जो है इस समय कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया के अंदर भी कंपनी जो है बात कर रही है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज IMC बिजनेस ने हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, चाहे वो हमारे फैक्ट्री में काम करते हुए वर्कर्स हैं, चाहे हमारे हेड ऑफिस में काम करते हुए एम्प्लॉयज हैं, चाहे हमारे ट्रेनिंग की टीम है, हमारे पूरे भारत में जितने भी एसोसिएट्स जो इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, आज हजारों की संख्या में लोगों के घर पे ये एम्प्लॉयमेंट दी गई है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान है IMC का कंपनी के ओवरऑल, कंट्री के ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए। और ये मिशन जो कंपनी लिया है आयुर्वेद को लेके, और वापस से हिंदुस्तान को हम कहते हैं सोने की चिड़िया बनाना, वो तभी पॉसिबल है कि जब हर आदमी के पास एम्प्लॉयमेंट होगी, हर आदमी जो है सक्षम होगा अपने घर के लिए पैसा खुद कमाएगा, तब ये दोबारा से हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया बन पाएगा। तो IMC जो है
एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत काम कर रही है। आज लाखों लोग आईएमसी से जुड़े हुए हैं और हजारों ही संख्या में लोग फुल टाइम काम करते हुए आज आईएमसी से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और फुल टाइम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने मिशन हैं हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के जो इंडिया को बढ़ावा देती है, उसमें आईएमसी योगदान देती है। हम टैक्सेस की बात करें तो आईएमसी जो है वो 100% टैक्स पे करती है। यहाँ पे एक रुपए की भी बचत या चोरी जो है टैक्स की नहीं की जाती और हर चीज जो है बिना बिल के हम लोग इसको नहीं बेचते हैं। हर चीज 100% बिल द्वारा जीएसटी उसका जमा होता है, टैक्स जमा होता है। तो ये भी जो सरकारी खजाना है उसको उसमें भी बहुत बड़ा योगदान जो है आईएमसी का है। जितना भी इसका टैक्स बनता है आईएमसी पे करती है हर जगह पे। तो ये सारी चीजें जो है, तो मेरे हिसाब से आजादी तभी आजाद तो हम हो गए 75 साल पहले, पर असली में आजादी तब है जब हम लोग सब लोग अपने देश के लिए अपना योगदान दें। एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ हम लोग पूरे देश को आगे लेके जाएं, हम लोग सारे देश के हित में काम करें। और जितने भी और अभियान हैं जैसे स्वच्छ भारत हो गया कि भारत को हम साफ रखें, क्लीन रखें, इसमें अपना योगदान दें, गंदगी ना मचाएं, सड़कों पे हम लोग कूड़ा मत फेंकें। तो ये छोटे छोटे मिशन से ही एक बहुत बड़ा चेंज जो है हमारी कंट्री में आ सकता है और उसके लिए तभी पॉसिबल जब कंट्री के जो देश में लोग रहते हैं, सिटीजन हैं, तो ये सब उस मिशन के साथ जुड़े। अभी रिसेंटली हर घर तिरंगा का जो ये अनाउंसमेंट के लिए बहुत बड़ा एक मिशन था कि 75वीं सालगिरह में हमारे जो देश के तिरंगा है ये हर घर में ये पहुंचे। और मुझे लगता है कि शायद हम सब लोगों ने पूरे आईएमसी में, मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब में और फेसबुक में लोगों ने डाली, मतलब कई जगह सैकड़ों लोगों ने रैलीज की है, मोटरसाइकिल के अंदर, गाड़ियों के अंदर लोगों ने आईएमसी की ड्रेस कोड पहन के और तिरंगा लेके पूरे भारतवर्ष में रैली की है और लोगों को जागरूक किया है, देशभक्ति की भावना को दोबारा से जगाया है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य हमारे एसोसिएट्स जो है अपने दम पे भी करते हैं और हमें बड़ा गर्व है कि इतनी बेहतरीन टीम हमारे पूरे हिंदुस्तान में जुड़ी हुई है। सबका श्रेय जो जाता है वो आप सबको जाता है क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। इस तरह के उपराले जो है, इस तरह के मिशन जो है आईएमसी करती जाएगी। और मैं सभी को ये बोलूंगा कि ये भारत देश जो है सबसे बेहतरीन देश में पैदा हुए हैं, जहाँ पे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर यहाँ पे मजहब को, हर रिलीजन को, हर व्यक्ति को यहाँ पे इक्वालिटी से डील किया जाता है और इक्वालिटी के